तारक मेहता का उल्टा चश्मा, FIR, बालवीर, तेनालीरामा, चिड़ियाघर, गुटुरगू जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर शो देने वाला सोनी सब का आज के टाइम पर डाउनफॉल क्यों हो रहा है? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या सोनी सब कभी भी पहले जैसा बन पाएगा? क्या इसका कभी कमबैक हो पाएगा? लेकिन अब कमबैक से भी कुछ नहीं होगा, बट क्यों? आखिर कैसे हुआ इसका डाउनफॉल और कैसे होगा इसका कमबैक, चलिए जानते हैं। सोनी सब एक टाइम पे आपका और मेरा फेवरेट चैनल हुआ करता था। आप लोग जानते ही हैं कि सोनी सब अंडर आता है सोनी कंपनी के, लेकिन इस चैनल को बनाने वाला सोनी कंपनी नहीं था। इस चैनल को बनाया था श्री अधिकारी ब्रदर्स ने। श्री अधिकारी ब्रदर्स के ओनर मुकेश अधिकारी और मार्केंड अधिकारी अपनी कंपनी अधिकारी ब्रदर्स के अंडर एक चैनल लॉन्च करते हैं, जिसका नाम वे रखते हैं सॉफ्ट टीवी। लेकिन ये चैनल को लॉन्ग टाइम तक रन नहीं कर पाते। आपको बताते चले कि 1999 से लेकर 2005 तक यह चैनल रहा अधिकारी ब्रदर्स के अंडर, और उन्होंने इस चैनल को एक कॉमेडियन चैनल के तौर पर लॉन्च किया था। तब इंडियन टीवी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा खास कॉमेडियन चैनल नहीं था, जिसकी वजह से यह चैनल एक अलग ही फेम बना रहा था। अभी साल 2005 में अचानक से एक बड़ा डाउनफॉल आता है अधिकारी ब्रदर्स में, जिसकी वजह से फिर वह इस चैनल को आगे रन नहीं कर पा रहे थे, एंड इन्हीं रीजन के चलते उनको इस चैनल को सेल करना पड़ जाता है। अधिकारी ब्रदर्स से ये चैनल चला जाता है सोनी कंपनी के पास। सोनी कंपनी ने इस चैनल को 14 मार्च 2005 को $13 मिलियन में खरीदा था। फिर चालू होता है द सोनी इरा। सोनी कंपनी इस चैनल को खरीद तो लेती है और इसका नाम चेंज करके वे रख देते हैं सोनी टीवी से सोनी सब। लेकिन अभी भी उनके सामने बहुत बड़े बड़े पड़ाव बाकी थे। एक तो यह चैनल HD में कन्वर्ट नहीं था, एंड दूसरा कॉमेडी डाउनफॉल। तो अब कंफ्यूजन था कि आखिर इस चैनल पर दिखाए क्या, जहां एक तरफ सब शो सोनी पर चल ही रहा था एंड ये शो अधिकारी ब्रदर्स की प्रोडक्शन में ही लॉन्च हुआ था, लेकिन एक शो के सहारे चैनल कहां चलता है। इसी बेस पर सोनी कंपनी कुछ बड़ा सोचती है एंड सब टीवी को कन्वर्ट कर देती है एक मैजिकल फैंटाई टीवी शो के ऊपर, जहां पर सोनी चैनल को बाय करने के बाद एक साल की मेहनत में एक शो लॉन्च करता है, जिस शो का नाम था FIR। और ये शो सब पुरानी ऑडियंस को टारगेट करके ही बनाया गया था। इस शो को लॉन्च किया जाता है 31 जुलाई 2006 को, और आपको बताते चले कि ये शो सब टीवी का आज तक का दूसरा सबसे लॉन्गेस्ट टीवी शो है। ये शो 2015 तक चला एंड इस शो ने सोनी सब को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सोनी सब की प्रोडक्शन कंपनी की मेहनत रंग लाने लगी एंड इन्हीं मेहनत को देखते हुए सोनी सब 2016 में इस चैनल को कन्वर्ट कर देता है हाई डिफिनेशन चैनल में। जी हाँ, ये वही साल था जब सोनी सब भी HD में कन्वर्ट हो गया। और FIR के कामयाबी के बाद सोनी सब पर वक्त और वक्त इसी तरह के बहुत सारे शो जाते रहे, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बड़ी दूर से आए हैं, जिनी और जूजू, एंड इसी तरह के बहुत सारे शो वक्त और वक्त आते रहे एंड अभी भी कई शो चल रहे हैं, लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बट लास्ट में कैसे ये चीज इनकी पावर, इनकी कमजोरी बन गई? तो देखो, आज के टाइम पे सिर्फ सोनी सब ही नहीं बल्कि सभी टीवी चैनल काफी ज्यादा लो रेटिंग फेस कर रहे हैं, बट सिर्फ सोनी सब को ही इतना ज्यादा बैकलेस क्यों मिल रहा है? क्योंकि दूसरे चैनल शुरू से ही ऐसे थे, उनका कंटेंट सेम था, उनकी ऑडियंस सेम थी, और आज भी उन्होंने कैमरा क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी के अलावा कंटेंट में कोई बदलाव नहीं किया है और पब्लिक को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और सोनी सब जो कि फैमिली कंटेंट वाला चैनल था, जिसे आज के एज ग्रुप वाले लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, बच्चों ने इसे बालवीर, तारक मेहता, तेनालीरामा और यारों के टस ने जैसे शो के लिए पसंद किया था, जहां तारक मेहता में टोपू सेना से वे रिलेट कर पाते थे और मोंटू जैसा शरारती बच्चा हर स्कूल में होता था। एटलीस्ट सभी को बालवीर पसंद था। यारों में कॉमेडी विद टेक्नोलॉजी बच्चे को काफी ज्यादा सिखाती थी। और उनके जाने के बाद कोई भी ऐसा शो नहीं आया। अलादीन आया था बट बालवीर जितना कम्प्लीट नहीं था, और वे शो देखने वाली पब्लिक यानी हमारी एज वाली पब्लिक अब टीवी देखना छोड़ चुकी है और हम लोग अब डायरेक्टली सोशल मीडिया से कनेक्ट हो चुके हैं। और इस चैनल के मेकर्स नई ऑडियंस को इंगेज कर ही नहीं पा रही है। बालवीर के नए सीजन हमें पसंद आए बट उन्होंने भी इसे OTT पर कर दिया। अरे OTT पर कौन बालवीर देखेगा? टीवी शो और फिल्मों का नाच चलना इनका सबसे बड़ा रीजन OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और प्रॉपरली ओल्ड शो की क्वालिटी डाउन होती जा रही है। अच्छे राइटर्स ही नहीं है इनके पास, अच्छे प्लॉट और अच्छी स्टोरी नहीं है, और नए शो तो सोनी सब की लेजेसी को मैच ही नहीं कर पा रहा है। कॉमेडी तो छोड़ ही दिया है, जो कि इनकी सबसे बड़ी पावर थी। एटलीस्ट अदर चैनल के पास यूनिक कंटेंट नहीं है बट रेगुलर कंटेंट है। वह सीधा सिंपल अपना सास बहु वाला शो चलाते हैं, जो कि सभी देखते हैं। सोनी सब पर बीच में कई सारे शो आए बट खत्म हो गए, जैसे मैडम सर, हीरो, बड़ी दूर से आए हैं हम, तेनालीरामा, जीजा जी छत पर है, तारक मेहता। डायरेक्टली मैं सोनी सब की सिचुएशनल कॉमेडी काफी ज्यादा मिस करता हूँ, बट शायद ये लोग वे मिस नहीं करते, इन्होंने उसे छोड़ दिया है। पहले फैमिली कंटेंट बनाते थे लेकिन मकसद था कॉमेडी करना, लेकिन अब मकसद बदल के सोशल मैसेज पर आ गया है। ना तो इनके पास टारगेट ऑडियंस है और ना ही टारगेट कंटेंट। इन सभी की वजह से इनका डाउनफॉल हुआ।